बोलो, तो होल वाला करंट समझ में आ गया कैसे होता है? तो हम लोगों ने बैंड थ्योरी करी थी, उसके बाद फिर हमने इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा। इंट्रिंसिक में कौन सा वाला इनमें से प्योर है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में सोचो कि एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी हमने, बाहर से आउटसाइड चीज़ डाल दी, ठीक है, एक्सटर्नल इम्प्योरिटी आ गई तो एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक में तुम लोगों ने क्या क्या देखा था? इंट्रिंसिक में अगर हम ये सेमीकंडक्टर का टाइप है ये, तो इसमें बैंड स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंस पता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बैंड स्ट्रक्चर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का? सर, आप रिपीट कर दोगे? हाँ, अच्छा मेरी आवाज़ क्या ब्रेक हो के आ रही है? आवाज़ नहीं, क्लियर पता है? नहीं है। ओके, ठीक है। तो इंट्रिंसिक में बैंड स्ट्रक्चर बताओ और एक्सट्रिंसिक का बैंड स्ट्रक्चर बताओ, क्या डिफरेंट होगा? हैं दोनों सेमीकंडक्टर, कंडक्शन बैंड ऊपर, वैलेंस बैंड नीचे, ठीक है। सर, इसमें वो मतलब जो एक्सट्रिंसिक होता है उसमें एक वो इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर वाली भी आ जाता है लेवल। यस। तो एक्सट्रिंसिक में हो गए दो टाइप, पी टाइप एंड एन टाइप। तो एक्सट्रिंसिक एन टाइप, अब बताओ जरा इंट्रिंसिक में तो बीच में कोई नहीं होगा ना, इंट्रिंसिक में तो बीच में कोई लेवल नहीं होगा, नो ठीक है। तो अब एक्सट्रिंसिक में जो मॉडिफिकेशन होगा पी टाइप में, पी टाइप में कौन से वाली इम्प्योरिटी है, डोनर इम्प्योरिटी डाली है कि एक्सेप्टर डाली है? सर, डोनर। जो इलेक्ट्रॉन दे करके, इलेक्ट्रॉन जिस डोनर मीन्स जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। नहीं सॉरी, ये तो डेफिशिएंट वाली है। सॉरी सॉरी। अच्छा मैं ऐसे पूछता हूँ, बताओ कि बोरॉन डालेंगे तो पी टाइप बनेगा एन टाइप बनेगा? टाइप पी टाइप, यस, ठीक है। क्यों? पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में जब हम बोरोन हमने डाला तो वहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है। उस बोरोन ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कहीं दूसरी जगह होल क्रिएट कर दिया, फिर वो होल जो है वो कहीं और से इलेक्ट्रॉन लेके फिल हो जाएगा बट नई जगह होल क्रिएट कर देगा। तो इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, मेजोरिटी जो करंट फोर फ्लो हो रही है वो किसकी मोशन से हो रही है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल, ठीक है, होल। और इसमें कौन है, इसमें कंडक्शन बैंड वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स कंडक्शन बैंड, ठीक है, मुझे दोनों बात एक साथ बोलने की जरूरत नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ तो मतलब कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर फाउंड इन कंडक्शन बैंड। और होल में अगर देखा जाए तो मूव कौन कर रहा है, मूव इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, नाम हम होल को दे रहे हैं लेकिन मूव इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, ठीक है, पी टाइप में। लेकिन वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे बता दो जरा, एक्सट्रिंसिक पी टाइप वाले में मेरे कहाँ पर एक बीच में एनर्जी लेवल बनता है, सर, वैलेंस से थोड़ा सा ऊपर। वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर एक्सेप्टर लेवल इसको बोलते हैं, ई ए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। और ये कितना गैप होता है इसका, 0.01 ev के आसपास, 0.01 0.05 इस तरह से, ठीक है। और एन टाइप में ये बनता है डोनर लेवल ED, वो भी ऊपर से जो है डिफरेंस देखोगे तो वो 0.01 से 0.05 के आसपास का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, और क्या किया था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अच्छा। अब चलो हम नेक्स्ट आते हैं पीएन जंक्शन पर, मोबिलिटी वगैरह हम लोगों ने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं अभी रिपीट नहीं करा रहा हूँ।
ठीक है, उन्होंने कुछ न्यूमेरिकल भी लगाए थे एनसीईआरटी के, सॉल्ट एग्जांपल। नाउ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन की डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकन डोप्ड इन सच अ मैनर दैट वन हाफ पोर्शन ऑफ इट एक्ट्स एज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड अदर हाफ एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखो अब यहां पे ये आधा उसका कैसा है, पी टाइप है, आधा एन टाइप है। पी टाइप वाले में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं यहाँ माइनस माइनस बना दे रहा हूँ। ठीक है, और इधर मेरे पॉजिटिव हैं होल्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होल्स। शायद उल्टा लिखा है आपने। अरे अच्छा, मैं नीचे चेंज कर देता हूँ, मैंने लिखा तो कुछ और था, उल्टा हो गया यहाँ पर। तुम्हारा यहाँ पर क्या करना है, एन टाइप, ठीक है, और इधर पी टाइप। अच्छा अब ये बताओ, जब मेरा एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ पे देखो, कहीं भी तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जहाँ पर भी डेंसिटी या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, वहाँ क्या होता है? मतलब मूवमेंट हाँ, मूवमेंट, जैसे उसके लिए एक वर्ड है, पार्टिकल्स उसके का लिए एक वर्ड होता है। यस यस, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। ठीक है, कहीं पर भी दो रीजन्स हैं जिनमें कि अलग अलग कंसंट्रेशन है, अगर उनको तुम मोशन के लिए ओपन कर दोगे, बीच में बाउंड्री हटा दो, तो क्या होगा, उसमें डिफ्यूजन हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो एन टाइप में देखो तो निगेटिव चार्ज है, निगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, राइट साइड में होल्स हैं, होल में अगर इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ जाए तो क्या होगा, उसको स्टेबिलिटी अचीव होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए और जहाँ पर होल है वहाँ पर क्या हो गया, आप होल में जा कर के बैठ गए। ठीक है, अच्छा तो निगेटिव चार्ज में जब होल, सॉरी, उस होल में जा कर के जब इलेक्ट्रॉन बैठेगा, तो वो जो सपोज एक बोरॉन है, ये कार्बन 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 ऐसे है, और तीन जगह तो उसने बॉन्ड बना रखे थे, लेकिन एक कार्बन के साथ वो बॉन्ड नहीं बना पाया था क्योंकि उसके पास तो केवल तीन ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब वहाँ पर एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, यानी कि एन टाइप्स वाली साइड से आया और उसने बॉन्ड बना लिया, तो बोरॉन पे चार्ज कैसा हो जाएगा? अगर इसने अपने न्यूट्रल बोरॉन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो जाएगा, चार्ज निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और उधर जहाँ से ये फ्री इलेक्ट्रॉन आया है वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जैसे एक हम लोग अगर एग्जाम्पल लें, जैसे एंटीमनी और क्या क्या था वहाँ पर, फास्फोरस, जो पेंटा वाले थे, तो सपोज फास्फोरस है और ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, ये चार बॉन्ड तो इसने बना ही रखे थे और इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो इजीली डोनेट कर सकता है, तो ये चला गया इलेक्ट्रॉन, तो अब इस पे क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये जो डिफ्यूज़न हुआ, ये डिफ्यूज़न ज़्यादा किस रीजन को अफेक्ट करेगा, जो बाउंड्री के पास वाला रीजन है। ठीक है, बाउंड्री के पास वाला जो रीजन है,
ये मैंने बाउंड्री के पास मैंने ये रीजन बना दिया। यहाँ पर क्या हो गया कि इस रीजन में जो यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे, मैं उस निगेटिव इलेक्ट्रॉन ने इधर जाके क्या कर दिया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बना दिया। यहाँ पे जो रीजन है निगेटिव चार्ज रीजन हो गया, और इधर लेफ्ट साइड से गायब हुए थे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रीजन हो गया। ठीक है, अब मैं जरा जो मैंने पहले निगेटिव और पॉजिटिव बनाए थे उनको जरा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, वो इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि ये जो निगेटिव मैंने अभी हटाए और जो मैंने अभी डिफ्यूजन में जो लेयर में मैंने निगेटिव बनाए हैं, ये दो अलग चीज़ें हैं। जो एन टाइप साइड में पहले मैंने निगेटिव साइन बनाया था, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहे थे, वो चार्ज को डिनोट नहीं कर रहे थे कि वहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्सेस में है, वो न्यूट्रल था। ठीक है, एन टाइप, अपन एन टाइप अगर हम सेमीकंडक्टर देखें तो वो न्यूट्रल होता है, पी टाइप भी न्यूट्रल होता है। तो पहले मैंने जो निगेटिव बनाया था वो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, और अब मैं जो निगेटिव साइड दिखा रहा हूँ वो निगेटिव एक्चुअली निगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो ये कैसा रीजन हो गया, यहाँ पर चार्ज्ड एटम्स हैं लेकिन फिर भी इसको हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ये जो हमारी लेयर खड़ी ये बनी है डिफ्यूजन के बाद, इस लेयर का नाम है डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो इसको बताओ डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर क्यों बोलते हैं, क्या डिप्लीट हो गया यहाँ पर, क्या चीज़ ख़त्म हो गई? हाँ सर मुझे एक डाउट है, बोलो। फिर हम ऐसे कैसे नेगेटिव पॉजिटिव उनको रिमूव कर दिया? नहीं, वो मैंने इसलिए अभी मैंने यहाँ अपने डायग्राम से इसलिए हटाया कि वो ये मत समझो कि वो कहीं चले गए। ठीक है, दूर वाले रीजन में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं बस अपने डायग्राम से हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने वही नेगेटिव साइन इधर डिप्लीशन लेयर में भी दिखाया है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर में नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है कि पी टाइप के जो वो हैं होल वाले जो रीजन्स हैं वहाँ पर एन टाइप वाली साइड से फ्री इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ गया है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया। ठीक है, बोरोन पर अगर उसके आकर के एक इलेक्ट्रॉन आकर के बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो बोरोन पर चार्ज निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव चार्ज आयंस हो गए। यहाँ पर जो वो थे डोनर्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये निगेटिव चार्ज पहले मैंने जो निगेटिव यहाँ दिखाया था उससे अलग चीज़ है। यहाँ पहले निगेटिव दिखाया था वो ऐसा नहीं था कि ये रीजन निगेटिवली चार्ज था, रीजन न्यूट्रल था, बट यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो मैं वो पहले मैं दिखा रहा था कि चार्ज कैरियर कैसा है, चार्ज कैरियर यहाँ पे निगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन थे इसलिए निगेटिव दिखाया था, बट रीजन ओवरऑल चार्ज नहीं था। समझ में आया प्रियंशु? ओके एन टाइप और पी टाइप जो हैं सर, वो न्यूट्रल हैं। ठीक है, एन टाइप का मतलब ये नहीं कि वो एन टाइप निगेटिवली चार्ज मटेरियल है, एन टाइप अपने आप में न्यूट्रल है क्योंकि हमने जो मिलाया है उसमें एक्सट्रिंसिक इम्प्योरिटी वो न्यूट्रल एटम ही तो डाले हैं, फॉस्फोरस के जो भी पेंटावलेंट एटम्स हैं वो न्यूट्रल हैं। ठीक है, और जो ट्राईवेलेंट हैं वो भी न्यूट्रल हैं, लेकिन जब पेंटावेलेंट के फ्री इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके और ट्राईवेलेंट पे जा करके बैठा तो पेंटावेलेंट वाला पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ट्राईवेलेंट वाला निगेटिवली चार्ज हो गया, तो वो मैंने डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव और निगेटिव दिखाया है। ठीक है, अच्छा, डिप्लीशन लेयर में क्या डिप्लीट हो गया, यहाँ पे तो चार्ज आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि डिप्लीशन लेयर इज डिप्लीटेड ऑफ सम काइंड ऑफ चार्ज तो क्या बोलना चाहिए, क्या डिप्लीट हो गया यहाँ पर, क्या खत्म हो गया डिप्लीशन लेयर में, क्या खत्म हो गया? चार्ज कैरियर्स खत्म हो गए, फ्री चार्ज कैरियर्स खत्म हो गए। ठीक है, लेफ्ट वाली साइड में जो इलेक्ट्रॉन थे वो राइट साइड में चले गए, तो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, राइट साइड के होल खत्म हो गए, दोनों मिक्स हो गए। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होल में जाके बैठ गए, स्टेबलाइज हो गया सब मामला। ओके तो डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन को हम डिप्लीशन किस सेंस में कहते हैं कि दिस रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ ऑल फ्री चार्ज कैरियर। ठीक है, एंड इट हैज ओनली इमोबाइल आयंस। ठीक है, आयंस हैं तो चार्ज्ड हैं ये आयंस, लेकिन ये चार्ज कहीं जा नहीं सकता, करंट कैरी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं वो आपस में, तुम्हारे दिमाग में सही से बैठ गई सबके? ओके, यस सर। चलो,
तो ये डिप्लीशन लेयर बनाने में कौन सी करंट का हाथ था, जो जो या कौन सा प्रोसेस था? डिफ्यूज़न प्रोसेस था। इस जो ये प्रोसेस हुआ है, इसमें डिफ्यूज़न करंट फ्लो ही, डिफ्यूज़न करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी? पी टाइप से एन टाइप या एन टाइप से पी टाइप? P2N पी टू एन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव किया था एन टू पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर गया था, ठीक है, तो इसका मतलब करंट किधर से किधर जाएगी? करंट जाएगी इधर, और इस करंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। अभी मैं सारी डेफिनेशंस लिखवाऊंगा। डिफ्यूजन को याद कैसे रखना है कि डिफ्यूजन करंट वो करंट है जो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से हुई। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो वो मूव कर गए पी टाइप की तरफ और वहाँ पर जा करके सेटल हो गए होल्स में। तो इलेक्ट्रॉन गया पी टाइप की तरफ तो करंट गई पी टू एन, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में ये जो डिप्लीशन रीजन है वहाँ पे, क्योंकि अब चार्ज्ड आयन प्रेजेंट हो गए हैं और एक साइड में पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा एक्सेस में है, दूसरी साइड में नेगेटिव आयन एक्सेस में है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। उस वो इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो किधर से किधर होगा? P2N हमने इधर एन टाइप लिया था, पी टाइप लिया था, और मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। इधर हमारे निगेटिव जा करके बैठ गए, ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव हो गया है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अभी भी कुछ मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एन टाइप वाली जो डिप्लीशन लेयर है, सपोज वहाँ पर कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ये सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोज करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को वो, लगेगी। हाँ, मेरा ये पूछना है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप की साइड में है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुआ है, ये उसको उस इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करेगा पी टाइप की तरफ जाने में? जैसे जैसे डिफ्यूजन हो रहा है वैसे वैसे डिफ्यूजन प्रोसेस फर्दर फैसिलिटेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, या अपोज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिफ्यूजन को? अपोज करेगा अपोज करेगा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो अगर इस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसको वो वापस एन टाइप की तरफ भेज देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये डिप्लीशन लेयर बनती जा रही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे फर्दर डिफ्यूजन को रोकेगा, ठीक है। जैसे लोग ट्रेन में, जैसे ट्रेन आती है स्टेशन पे, लोग बैठते हैं भीड़ भाड़, अगर जनरल डब्बे की बात करो, तो जो लोग अंदर, पहले तो सब लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अंदर घुस जाते हैं तो फिर बाहर से अंदर आने वालों को रोकते हैं, होता है कि नहीं, कि अब जो है हम आराम से बैठ जाएं। तो वैसे ये जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गया वो तो कर गया, अब जो अगला और अगला पीछे से आने वाला है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अब डिफ्यूजन करंट को डिस्करेज करेगी, ठीक है, रोकेगी कि अब और ना हो, ठीक है। तो ये एक स्टेट के बाद जा करके ये प्रोसेस स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ ही एक प्रोसेस यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोमोट करता है। वो क्या प्रोमोट करता है? किसी भी एन टाइप पी टाइप कहीं भी देखो, तो हमने एक तो वर्ड यूज़ किया मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, चार्ज कैरियर। तो ये तो एन टाइप में हो गए इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड पी टाइप में हो गए होल्स। लेकिन साथ में होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, यानी कि पी टाइप में बहुत कम मात्रा में, लेकिन फिर भी ज़ीरो नहीं, देर आर वेरी स्मॉल अमाउंट, बट देर इज सम अमाउंट ऑफ इन पी टाइप सम अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इन एन टाइप सम अमाउंट ऑफ होल्स, ठीक है। तो अब वो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो, तो उसको क्या करेगा? वो उसको कहेगा भी तुम इधर चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है। और अगर तुम होल को भी मानो कि एक चार्ज कैरियर होल, तो वो होल को इधर भेजेगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा? एक करंट किधर फ्लो होने लग जाएगी, इन दोनों ही इफेक्ट का नेट राइट टूवर्ड्स राइट, ठीक है। हमने भी देखा था कि जो ड्रिफ्ट करंट थी वो पॉजिटिव टू निगेटिव आई थी, आई ड्रिफ्ट,
सॉरी सॉरी, ड्रिफ्ट तो ये वाली है जो मैं बोलने वाला हूँ, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन करंट हमने अभी बात करी थी, डिफ्यूजन करंट वाज फ्रॉम पी टू एन। और ये जो मैंने बताया अभी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है, एक सेकंड, मैं फिर से गड़बड़ बोल गया। ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, डिफ्यूजन तो पहले बोला था, दिस इज ड्रिफ्ट। ठीक है, दो प्रोसेस हो गए एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ड्रिफ्ट करंट के लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, प्लस एक और चीज़। ठीक है, दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है जिसको कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्म हुआ है इस डिप्लीशन रीजन में वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट प्रोसेस इज अपोजिट टू डिफ्यूजन करंट। और ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट के लिए दूसरा कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट करंट। नंबर वन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नंबर टू, जो डिप्लीशन रीजन है वहां पर मान लो सब कुछ स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, उस समय अगर मान लो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या किसी वजह से एनर्जी मिली, कोई इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड से जंप करता है, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में एक वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए एनर्जी लेकर के, एनर्जी रूम टेम्परेचर पे मिल सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उनमें जो क्या बोलते हैं, लैटिस वाइब्रेशंस, क्रिस्टल में वाइब्रेशंस होते हैं सॉलिड में, उन वाइब्रेशन में भी एनर्जी का ट्रांसफ़र थोड़ा बहुत होता रहता है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बन चला जाए कंडक्शन बैंड में, तो नीचे क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया, ऊपर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर मान लो इस रीजन में, ये जो डिप्लीशन रीजन वाला जो रीजन है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर जनरेट हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? होल को तो अपने डायरेक्शन में कहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेगा कि तुम अपोजिट जाओ। ठीक है, तो ये इसका नेट इफेक्ट क्या होगा? वही आई ड्रिफ्ट वाला होगा। ठीक है, मैंने नीचे जो आई ड्रिफ्ट का एरो दिखाया है वो वाला एरो हो जाएगा, पॉजिटिव होल राइट चला गया, निगेटिव इलेक्ट्रॉन लेफ्ट चला गया। तो ये जो प्रोसेस, ये जनरेशन प्रोसेस बहुत स्मॉल अमाउंट में बट कंटिन्यूसली होता रहता है। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट करंट के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इन डिप्लीशन रीजन। ठीक है, अभी मैंने कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखा, ये भी लिखवाऊंगा, लेकिन अभी पहले समझना ज़रूरी है। फिर तो डेफिनेशन में लिखाता जाऊंगा, तुम लिखते जाओगे, समझ में आ जाएगा। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? मैंने तीन चीज़ें मतलब दो चीज़ें बताई, एक तो डिफ्यूजन करंट बताया। डिफ्यूजन करंट तो बहुत ईजी है, जिधर से हायर फ्री इलेक्ट्रॉन है वहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ कम है यानी कि जहाँ होल ज़्यादा है वहाँ पे जाएगा और करंट फॉर्म हो गई। ठीक है, एन टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन चला गया पी टाइप की तरफ, तो करंट उसके अपोजिट पी टू एन हो गई, जो कि टॉप में मैंने आई डिफ्यूजन लिखा है। ड्रिफ्ट करंट उसका अपोजिट करंट है, जो कि इस जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है चार्ज कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट की वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से ये आई ड्रिफ्ट क्रिएट होता है। ठीक है, और इसके फैक्टर्स दो हो गए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पर उस रीजन में, या फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट हुआ। ठीक है, अंडरस्टूड? सर, मुझे दो चीज क्लियर नहीं हुई, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर, मतलब एग्जैक्टली कौन से रीजन में की बात हो रही है? ये डिप्लीशन डिप्लीशन रीजन, करंट, डिप्लीशन रीजन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? अच्छा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? तो एन वाले साइड में होल्स हैं और पी वाले साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो सेकंड फैक्टर है फिर वो भी तो सेम ही चीज़ हो गई है। वो ऐसा कि अगर मान लो पहले से प्रेजेंट हो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एन साइड में होल और पी साइड में इलेक्ट्रॉन, तो उसको मैं काउंट करूंगा फैक्टर नंबर वन में, पहले से प्रेजेंट है और अभी अभी जनरेट हुआ है थर्मल एनर्जी से,
वो किधर भी हो सकता है, वो हो सकता है कि एन साइड में क्रिएट हो गया हो या पी साइड में क्रिएट हो गया हो, कहीं भी क्रिएट हो सकता है। तो मैं इसको काउंट करूँगा सेकेंड में, जो कि अभी भी हुआ, ठीक है, और कहीं भी हो सकता है। और फर्स्ट फैक्टर जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करोगे तो वो एन साइड में होल की ही बात होगी और पी साइड में इलेक्ट्रॉन की ही बात होगी, ठीक है। सेकंड वाले फैक्टर में ये बाउंडेशन नहीं है, वो कहीं भी क्रिएट हो सकता है डिप्लीशन रीजन में, ठीक और है। सर ये जो थर्मल एनर्जी है वो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट हुई है। थर्मल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट नहीं हुई है। थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है उस पर ऑलरेडी हर जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है, या थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो वो और बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, उसको पुश किया कि इलेक्ट्रॉन को उसने भेजा कि तुम इधर एन साइड में चले जाओ और होल को भेजा पॉजिटिव साइड में जाने, पी टाइप वाले साइड में जाने के लिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये जनरेट तो हो जाते थर्मल एनर्जी से, लेकिन मूव नहीं करते, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनको मूव करवा सर दिया। सर हाँ जो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस, सर ये एक पॉइंट टाइम के लिए होगा ना, एक स्मॉल टाइम के लिए। ये, हाँ तुम ये कह सकते हो कि जैसे ही ये हमने दोनों को ये जब फॉर्म किया पी एन जंक्शन, तो फॉर्मेशन के टाइम पर अगर मान लो इमेजिन करें कि हम पी और एन दो को लाके हमने बहुत अच्छे से कांटेक्ट में लगा दिया, प्रोसेस ऐसा नहीं होता है जनरली, ठीक है। जनरली तो हम ग्रो करते हैं ये क्रिस्टल में, मतलब डिफ्यूजन का प्रॉपर प्रोसेस होता है, तो हम एक ही पीस पर दोनों साइड में अलग अलग वो करते हैं, लेकिन जब भी वो इनिशियल हुआ होगा उस समय डिफ्यूजन करंट सबसे ज़्यादा हुआ होगा। और बाद में ये जो प्रोसेस है ये कुछ इक्विलिब्रियम टाइप की चीज़ समझ लो, कि जैसे तुम केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम पढ़ते हो ना, कि ए से बी फॉर्म हुआ, बी से ए फॉर्म हो रहा है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, कंटिन्यूअसली हो रहा है लेकिन उससे कंसंट्रेशन कोई चेंज नहीं हो रही, ठीक है। जितना ए से बी बना उतना ही बी से ए बन गया, तो ये उस तरह की चीज़ है। कि ऐसा नहीं कहेंगे कि जब ये डिफ्यूजन मतलब पूरा सेटल हो गया तो डिफ्यूजन करंट जीरो हो गई, ऐसा नहीं कहेंगे, कंटिन्यूअस डिफ्यूजन भी हो रही होगी और ड्रिफ्ट भी हो रही होगी। हाँ, शुरू में जितनी हुई होगी उसके कंपेरिजन में कम होगी। सर लेकिन जो ये मोबाइल आयंस फॉर्म होंगे ना सर डिफ्यूजन के बाद, तो करंट को डिक्रीज होना चाहिए ना, स्टॉप हो जाना चाहिए वैसे। नहीं, स्टॉप नहीं होता है फाइनली, अगर मान लो ड्रिफ्ट हो रहा है तो उसके जितना ड्रिफ्ट हो रहा है उतना ही डिफ्यूजन होकर के फाइनली नेट इफेक्ट जीरो होता है, अगर हमने कोई सेल नहीं लगाया हो। उसको हम अनबायस्ड सर्किट कहते हैं, अनबायस्ड या विदाउट एनी एक्सटर्नल बैटरी, ये प्रोसेस जो है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, होते रहते हैं लेकिन एक दूसरे के एग्जैक्टली वैल्यू को कैंसिल करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज मान लो डिफ्यूजन तुम कह रहे हो जीरो हो जा रहा है और ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो ड्रिफ्ट फिर अनबैलेंस कर देगा सिचुएशन को, फिर वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जिसमें डिफ्यूजन को प्रोमोट करने वाला फैक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट एक्चुअली अगर तुम फर्दर देखो कि ड्रिफ्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता जाएगा। मान लो ड्रिफ्ट ही होता चला जाए और डिफ्यूजन ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में फिर डिफ्यूजन को इलेक्ट्रिक फील्ड ने रोका हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो डिफ्यूजन करंट फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों फैक्टर बिल्कुल सेट एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहते हैं और स्टेबलाइज रहती है सिचुएशन। तो उसको तुम ये भी कह सकते हो कि नेट करंट जीरो है, या ये कह सकते हो कि डिफ्यूजन इक्वल टू ड्रिफ्ट है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके सर, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डिफ्यूजन करंट तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ड्रिफ्ट करंट समझ में आ गया, बोलो। यस। ओके, तो अच्छा, जरा डिप्लीशन लेयर में हमें एक और चीज़ डिस्कस करनी है। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो वो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, बताओ कि किधर वोल्टेज लोअर होगी, पोटेंशियल लोअर होगा, किधर पोटेंशियल हायर होगा, एन टाइप और पी टाइप में? एन टाइप में हायर। एन टाइप में हायर, हायर टू लोअर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं ऐसे प्लेट ऐसे डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे तो कांस्टेंट, फिर ये डिक्रीज होते हुए फिर ऐसे हो गया, ठीक है, ये हमारा वी का ग्राफ है पोटेंशियल का, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में,
दिस डिफरेंस, इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल। वी बी, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पूछी भी जाती हैं लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने पी एन जंक्शन तो डिफाइन कर ही लिया था, तो डिप्लीशन रीजन लिख लो। बैरियर पोटेंशियल, नेक्स्ट डेफिनेशन। डायग्राम और बना देते हैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए। एन टाइप में जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया है और पी टाइप में नेगेटिव चार्ज आ गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, एरो जो दिखाया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द पी रीजन एंड पॉजिटिव चार्ज इन द एन रीजन अच्छा, इसको बैरियर क्यों बोला है? बैरियर मतलब रोकने वाला, किसको रोक रहा है ये? चार्ज को मतलब फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं रहते तो डिफ्यूजन कौन सा वाला, डिफ्यूजन के वाला या ड्रिफ्ट वाला? यस,
वी बी अच्छा बैरियर पोटेंशियल जब आए ना तो तुमको ये डायग्राम जो ऊपर बनाया है उसमें एक चीज़ और दिखानी है कि एन टाइप जो है वो हायर हो गया और पी टाइप लोअर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर, और उसमें तुमको ये वी बी दिखा देना है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सिस बना दो, दिस एक्सिस इज वी। सर मुझे यहाँ पर एक डाउट है बोलो। सर, जो आपने एक तो डिप्लीशन लेयर वाला मतलब ये जो पोटेंशियल का ग्राफ है, यहाँ पर एक तो डिप्लीशन लेयर का वो जो स्लोप है, तो जो पहले वाली चीज है सर, वो आपने हायर क्यों बनाई और दूसरे की लोअर क्यों बनाई? कौन सी चीज़ जो मैंने ग्रीन कलर का जो ग्राफ बनाया वो हाँ, तो उसमें जो लेफ्ट मोस्ट रीजन है जो मतलब हायर पहले जैसा ही है, मतलब जिसमें फ्री चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन वाले हैं। तुम 1 मिनट, तुम ये इस रीजन की बात कर रहे हो? हाँ, उस वाले रीजन की है। हाँ, इस रीजन में मैंने ये हायर क्यों बनाया, हाँ, और दूसरे वाले में वो लोअर क्यों बना? ये लोअर क्यों बनाया। अच्छा देखो, ये तुम्हारा जो रीजन था, ये तुम्हारा यहाँ पर जो जो चेंज आ रहा है पोटेंशियल का, वो कहाँ पर आ रहा है? वो इस डिप्लीशन रीजन में आ रहा है, ना उससे पहले कोई चेंज है ना उसके बाद में चेंज है। ठीक है, जहाँ फील्ड प्रेजेंट है वहाँ पर चेंज है, तो डिप्लीशन रीजन में ही फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बात तो तुम एग्री कर रहे हो कि यहाँ पे सेम रहेगा इस एंड पर और इस ये इन दोनों पे, तो पोटेंशियल सेम होना है। ठीक हाँ, है, यहाँ पे तो मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया, ये हॉरिजॉन्टल से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये जो एंड है, ठीक है, जो ये बाउंड्री हमारी डिप्लीशन रीजन की लेफ्ट एंड और राइट एंड है, तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होना, इस बात से भी तुम एग्री कर रहे होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अच्छा, ओके, फिर क्लियर है। ठीक, चलो ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल आ गया। अब हम आते हैं डिफ्यूजन करंट पर, और बैरियर पोटेंशियल में ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, डिफ्यूजन करंट, द करंट फॉर्म्ड बाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स
सर आपने दोबारा हाई कंसंट्रेशन लिख लिया। तो वो मैंने एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, एक बार होल के लिए लिखा है। एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव हाई कंसेंट्रेशन इन एन टाइप रीजन एंड होल्स आर इन हाई कंसेंट्रेशन इन पी टाइप रीजन। हाँ सर ओके। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग रीजन में हाई कंसेंट्रेशन है, तो इस वजह से वो फ्लो करते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, इट फ्लोज फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप रीजन। आगे बढ़े, सर 2 मिनट्स। अच्छा, सब लोगों ने वो लिस्ट में अपना नाम देख लिया जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था? व्हाट्सएप पे एक लिस्ट भेजी थी, ध्रुव ने उसमें करेक्शन करवाया और यस सर। अच्छा, तुम लोगों को मैंने एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन फॉर्म भेजा था, सब लोगों ने फिल नहीं किया है। जिन्होंने नहीं किया है वो लोग कर देंगे आज फिल। आस्था, तुमने फिल किया है? यस सर कर दिया था। ओके, एंड ध्रुव अस्थाना, ध्रुव आवाज़ नहीं आई तुम्हारी। श्रेया ने फिल कर दिया है, मानसी ने कर दिया है, शिविका ने कर दिया है, शांतनु ने भी कर दिया है, प्रियांशु तुम्हारा ध्यान नहीं आ रहा मुझे, यस सर। कर दिया है। ओके, यस सर। राजीव, राजीव तुम्हारा शायद नहीं अभी फिल हुआ है। कर दूंगा सर आज। और वत्सल, ओजस आज क्लास में नहीं है। यश एंड वत्सल, अच्छा यश आर यू देयर? यस सर। सर अभी नहीं भरा मैंने। अच्छा, यश तुम्हारा जो है अभी एक टेस्ट हुआ था, कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव, उसमें हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। हाई, ये एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला ऑब्जेक्टिव पता है तुम्हें? हाँ सर। सर वो रफ वर्क मुझे भेजना था सर, वो जा ही नहीं रहा था, पता नहीं कैसे भेजा। अच्छा, तुम्हारा एमसीक्यू वाला पोर्शन चला गया और रफ वर्क वाला रुक गया अपलोड होने हाँ से। सर रफ पता नहीं सर मैंने अलग अलग पेज में किया था, रफ वर्क उसी पेज में किया था लेकिन मैंने क्रॉप करके एमसीक्यू भेजा, रफ वर्क अलग से भेजना था आया ही नहीं अलग से क्यों भेजना था, क्रॉप क्यों कर दिया तुमने? तुमको पूरा सर। फोटो वो लेके पूरा भेजना था। पेज मैं मतलब पीडीएफ में जब फॉर्म कर रहा था तो उसमें बहुत लाइट इंक आ रही थी पूरे पेज में, चलना पड़ा। अच्छा, तुम अभी मुझे क्लास ओवर होते ही व्हाट्सएप करोगे, ठीक है? वर्क ठीक है यस, सर। रफ वर्क। ओके सर। और ये नहीं कि अभी तुम बैठ करके लिखने पर लग जाओ, मैं बीच बीच में तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेक्चर में तुम्हें नहीं डाइवर्ट होना है। ठीक है, 10 o'clock के बाद तुम्हें करना है जो भी करना है। ओके सर। ठीक है, और आगे से मैं चेकिंग ही नहीं करूँगा अगर रफ वर्क नहीं होगा तो। ठीक है, ओनली ABCD लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके सर। अच्छा और बताओ यश, तुमको समझ में आ रहा है ये चैप्टर? यस सर। अच्छा वत्सल, वत्सल तुमको समझ में आ रहा है? अच्छा वत्सल, तुम्हारे माइक को क्या हो गया? चलो, डिफ्यूजन करंट हम लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट लिखना है ड्रिफ्ट करंट। तो ये लिखो,
इन द डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन इफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, या इफ नहीं लिखो, यूजुअली लिखो, यूजुअली इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स कीप ऑन जनरेटिंग ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है, ऑल्सो देयर आर वेरी फ्यू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन पुशेज दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि जनरेट हुआ या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स, बताओ किधर पुश करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा डेवलप हुआ था इस रीजन में, बताओ ऑपोजिट एन से पी, एन साइड में हमारे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ उसको करेगा एन टाइप की तरफ, टूवर्ड्स एन टाइप रीजन, एंड होल टूवर्ड्स पी टाइप रीजन। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ करंट फ्रॉम एन टू पी साइड, दिस करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। यहाँ डेफिनेशन में मैंने थोड़ी समझाने की कोशिश कर दी तो ज़रा ज़्यादा बड़ा हो गया डेफिनेशन, ठीक है, मैंने सोचा कि इसको तुम्हें ये पढ़ करके पता लग जाए कि ये है क्या, बाद में कभी रिवाइज करो तो, ठीक है, तो अदरवाइज तुम छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हो, द करंट ड्यू टू बैरियर फील्ड, जो बैरियर वोल्टेज बैरियर और की जो फील्ड है, द करंट ड्यू टू बैरियर फील्ड फ्रॉम एन टू पी साइड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, छोटा सा भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ हमने पूरा रीजन, ओके पूरा प्रोसेस डिफरेंट एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, पूरा अगर देखो इजीली याद रहता है तो लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है, इतना लिखने में तुम्हें 2 मिनट या 1 मिनट लगेगा अगर तुम्हें समझा हुआ है, ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है, और अगर रट्टा मारना हो बिना समझे करना हो तो बोलो, तुम्हें लिखवा दूँ 2 लाइन की डेफिनेशन, चलो लिख लो। द करंट फ्रॉम एन टू पी साइड ड्यू टू बैरियर फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। एक लाइन चलो और बढ़ाई देते हैं, इट इज ड्यू टू, या चलो क्या लिखते हैं,
फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताओ, बहुत छोटा सा होगा कि बहुत लार्ज फील्ड होगा? ये प्रोसेस पी एन जंक्शन, बस हमने पी और एन टाइप को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दिया है, हमने कोई बैटरी वैटरी नहीं लगाई है, ठीक है। तो ये फील्ड हमारा बहुत वीक होगा या बहुत स्ट्रांग होगा? ओके वीक। देखते हैं जरा, मैं तुम्हें कुछ डाटा दे रहा हूँ, उससे कैलकुलेट करो। एग्जाम्पल, जो यूजुअली प्रोड्यूस होता है बैरियर पोटेंशियल, वो लगभग 0.5 वोल्ट के आसपास, 0.5 0.7 इस तरह का होता है, ठीक है। और जो थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन रीजन है वो होती है करीब 1 माइक्रोन की, ठीक है, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर फील्ड। फाइव इंटू 10 to the power -5। सॉरी, कैसे निकाला तुमने? टेन टू द बार फाइव वी अपॉन डी होता है 0.5 अपॉन 10 to the power -6, 5 × 10 power 5 वोल्ट पर मीटर। पॉइंट फाइव मिलियन वोल्ट वोल्ट पर मीटर, ठीक है। हाफ मिलियन वोल्ट पर मीटर क्रिएट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो फिर आगे बढ़े। यस सर। सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन, कैसे सिंबल बनाते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं और आगे एक बार बना करके ये। अब ये इसमें ये जो ट्रायंगल है वो किस साइड में रहता है और जो वर्टिकल बार है वो किधर रहता है? तो ये पी और ये एन, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि अगर हम इसमें बैटरी लगा करके इसको बायस करें तो करंट की डायरेक्शन जो अलाउड होगी वो होगी पी टू एन, ठीक है। वो अभी हम बात करेंगे, अभी बायसिंग की अभी हमने नहीं किया था, ठीक है। पी एन जंक्शन में अभी तो हमने अनबायस्ड पी एन जंक्शन की बात करी थी। अब पी एन जंक्शन में अगर हमने उसके अक्रॉस बैटरी लगा दी तो वो करंट को केवल पी टू एन, पी से एन की साइड में अलाउ करता है, ठीक है। तो ये मैं एरो लगा के लिख रहा हूँ, दिस इज अलाउड डायरेक्शन ऑफ करंट, तुम लोग प्री बोर्ड वगैरह डेट कुछ अनाउंस देना? अभी कुछ जब से बोर्ड की डेट अनाउंस हुई है उसके बाद से कुछ चेंज हुआ है क्या? प्री बोर्ड कुछ पोस्टपोन हुआ हो या कुछ? पर हमारा 4th से होना था, 4th जान से प्री बोर्ड, और अब 1st फेब से होगा। ओके, 1 महीने आगे हो गया। चलो, हाँ सर। और डीपीएस वालों का, रैन वालों का कुछ? सर हमारा पहले 15 जान से होना था, बट अब मतलब मैंने ऐसा सुना है ऐसे लोगों से, मतलब थोड़े ट्रस्ट वर्दी लोगों से, कि डिले हो जाएंगे वो 1-2 वीक्स। सर, हमारे ग्रुप में मैसेज आ गया है कि नहीं हो रहा है 15 सर। नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मतलब डिले हो जाएंगे, ठीक है। और रियान वाले कुछ अपडेट दें? 18th जान से ही है सर। अच्छा चलो, और तुम लोग अब जेई के लिए थोड़ा लग सकते हो, जब बोर्ड पीछे हो गया तो फिर तो तुम जनवरी फेबरी सॉरी फैब और मार्च अटेम्प्ट तो सीरियसली दे ही सकते हो, ठीक है। फेब मार्च इवन अप्रैल भी, अप्रैल में कौन सी डेट में होंगे? एंड में ऐसा 27 से 30। अच्छा ठीक है, वो भी दे सकते हो सीरियसली। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन तुम लोगों को मतलब एक एक तरफ फोकस करने के लिए इजी हो गया है, ठीक है। पहले मार्च में जब हम सोच रहे थे तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। तो अभी लग जाओ तुम लोग, और चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन ये हो गया। नाउ वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन, जिसमें कि हम बायसिंग की बात करेंगे, ठीक है। बायसिंग का मतलब होता है बैटरी कनेक्ट करना, ठीक
ठीक है। तो दो तरह से बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग, एक रिवर्स बायसिंग। ठीक है, बायसिंग दैट इज कनेक्टिंग अ बैटरी या सेल अक्रॉस पीएन जंक्शन। दो तरह की होती है बायसिंग, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ठीक है, रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या होगा? ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो पी टाइप की तरफ पॉजिटिव, एन टाइप की तरफ नेगेटिव फॉरवर्ड बायसिंग, और रिवर्स कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कर दिया, तो दिस इज रिवर्स बायसिंग। बना लो डायग्राम। फिर अभी नेक्स्ट पेज पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, एफ बी मीन्स फॉरवर्ड बायसिंग। एक बार आप पीछे करके देखिए, ओपन किया एक बार आप पीछे वाला पेज दिखा दीजिए 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा लैग कर रहा है ये। मैं एक बार ज़रा लीव करके दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। ओके शेयर हो गया, तुम लोग लिख चुके? यस सर। अच्छा, यहाँ तक मैं कुछ फिर से पूछना है क्या? अभी तक मैं कोई चीज़ अनकंफर्टेबल हो जो नहीं समझ में आया हो? नहीं, ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग जरा हम बात करते हैं अभी अपने, जो हमने अभी बैरियर पोटेंशियल वगैरह देखा था उस पर, ये फॉरवर्ड बायसिंग क्या करेगा? ये हमने हमने लेफ्ट साइड में अभी तक क्या लेके चल रहे थे, एन या पी? एन शायद लिया था, इधर पी लिया था, लेफ्ट साइड में एन लिया था ना अभी तक, जो डायग्राम हमने लिए थे। यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर था? डिप्लीशन रीजन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था एन से पी राइट की तरफ। एन से पी। अब हमने फॉरवर्ड बायसिंग करी, यानी कि बैटरी कैसे लगाई है? बैटरी पी की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है। ठीक है, तो ये बैटरी यहाँ पर जो क्रिएट करेगी फील्ड, वो कैसा क्रिएट करेगी, पी से एन की तरफ या एन से पी की तरफ? ये मैंने सही बनाया, बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैटरी, ड्यू टू सेल, सही बनाया गलत बनाया? अगर ये एक कंडक्टर होता, उस सही कंडक्टर में हम ऐसे बैटरी लगा देते, तो वो यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो कराती है, तो फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो मैंने सही बनाया है। अब मान लो मैंने बैटरी अभी जो है जीरो से मैंने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है वो जीरो से स्लाइटली ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो अब दो तरह के फील्ड हैं, एक तो इसका अपना इंजीनियस जो इनहेरेंट फील्ड है ड्यू टू डिफ्यूजन हुआ था, क्रिएट हुआ था। ठीक है, वो फील्ड जिसको मैं ऊपर ई नॉट लिख दूँ, जरा ई नॉट लिख दिया मैंने। ठीक है, एक तो ये फील्ड, और नीचे जो मैंने ई लिखा है ड्यू टू सेल।
अब सेल वाला फील्ड तो अगर तुम जीरो से धीमे धीमे ग्रो कर रहे हो तो यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? नेट इफेक्ट हो रहा है कि ई नॉट विल बिकम स्मॉलर। ई नॉट खुद तो स्मॉलर नहीं होगा, बट जो नेट आएगा वो ई नॉट से कम आएगा। ठीक है, ई नॉट तो अपना दूसरे फैक्टर्स की वजह से है। ठीक है, लेकिन जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा? ई नॉट से स्मॉलर होगा, और ई बढ़ते बढ़ते ई नॉट के इक्वल हो जाए तो जीरो भी हो जाएगा, और ई अगर उस ई नॉट से भी बड़ा हो जाए तो वो अपने अकॉर्डिंग करंट फ्लो करा देगा। ठीक है, फिर वो यहाँ पर सेमीकंडक्टर में पी से एन की तरफ करंट फ्लो करा देगा। ठीक है, और वो करंट फ्लो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इट विल नॉट बी एज गुड एज कंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक से बेटर क्यों होगा? क्योंकि जब एक्सट्रिंसिक होता है उसमें तुम इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हो, तो वहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, और तुमने देखा होगा कि वो ई डोनर और ई एक्सेप्टर जो बीच में आ गए, तो उनका तो बहुत छोटा सा गैप है, तो उस गैप को क्लियर करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, और फॉरवर्ड बायसिंग में करंट अगर हमने ई नॉट को क्रॉस कर लिया तो उसके बाद फिर वो तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, और इनफैक्ट फिर अगर मान लो हमने ई नॉट को क्रॉस करके करंट बढ़ाया तो ऑलमोस्ट कंडक्टर जैसा ही फ्लो करने लग जाता है फाइनली। ठीक है, बस हमने इस ये जो है ई नॉट के करस्पॉन्डिंग जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसको क्रॉस करना है। ठीक है, नेक्स्ट सर रिवर्स। हाँ बोलो। सर सर ये ई नॉट को क्रॉस करने का मतलब क्या है? जब मैं बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो बैटरी के करस्पॉन्डिंग जो मैंने पिंक से ई लिखा है वो वैल्यू बढ़ेगी। वो वैल्यू बढ़ करके जो पहले से एक एन पी एन जंक्शन में जो डिप्लीशन रीजन में फील्ड डेवलप हुआ था उसको उसकी वैल्यू को क्रॉस कर जाए। जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो ई बढ़ेगा, ई ड्यू टू सेल बढ़ेगा, और बढ़ करके वो ई नॉट को क्रॉस कर सकता है अगर तुम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो तो। ठीक है, सेल की वोल्ट सेल स्ट्रॉन्गर सेल लगा दो या किसी तरह से वोल्टेज को रेगुलेट कर लो। ठीक है, तो हम इस ई को ई नॉट के को क्रॉस करने को मैं वोल्टेज के टर्म्स में कहूँ तो जो हमने अप्लाइड वोल्टेज लगाई है वो बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर जाए। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर जाए तो यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा, और अगर ई की वैल्यू ई नॉट को क्रॉस कर जाए तो करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो करंट फ्लो हो जाएगा तो ये करंट अलाउ कर देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। सर अच्छा इसका फायदा क्या हुआ? हाँ, अभी सुनो, अभी रिवर्स बायसिंग सुन लो, फिर उसके बाद फायदा देख लेंगे। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा जरा सोचो। यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? ई नॉट और ई डी टू सेल सेम डायरेक्शन में है। ई नॉट एंड ई सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। और वो जो जो ई नॉट और ये हैं, अच्छा एक चीज़ और जरा, फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में जब ये ई हमारा बड़ा हो जाएगा, जो हमने ई बाई सेल लगाया था, ई बाई ड्यू टू सेल। ठीक है, तो वो क्या करेगा? पी टाइप में जो होल है उसको क्या करेगा? होल को वो करेगा इधर की तरफ, और जो इधर इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा? इस तरफ। ठीक है, तो ये तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो करा रहा है। ठीक है, पी टाइप में होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उनको फ्लो करा करके ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस में क्या होगा? एन पी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, ये मेरा पहले से ई नॉट है और जो सेल ने लगाया वो भी इधर ही लग रहा है। ठीक है, और ये जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये किधर पुश करेंगे? दोनों फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपोजिट इधर पुश करेगा। ठीक है, होल को इधर पुश करेगा, यानी कि ये डिप्लीशन रीजन से और अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी, करंट को ये
तुम्हारा होना क्या चाहिए कि जो हमारा डिफ्यूजन करंट है उस डिफ्यूजन करंट को प्रमोट करने वाला फील्ड होना चाहिए, तब करंट फ्लो होगा। लेकिन ये करंट को दोनों ही मिलकर के अपोज करने वाले हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे करंट कब फ्लो हो सकता है, अगर हम इलेक्ट्रिक जो सेल का जो ये फील्ड है, इस फील्ड को इतना ज़्यादा ग्रो कर दें कि जो एन टाइप और पी टाइप में जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाएं, ठीक है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाएं, जिसको कहते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। तो जब तक ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तब तक ये दोनों करंट को फ्लो करने के लिए के का अपोज कर रहे हैं, ठीक है। बोथ ऑफ द फील्ड्स आर अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट, सो देर विल नॉट बी एनी करंट। बट एक्सट्रीम केस में ब्रेक डाउन हो जाए तो उस केस में करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें, ये तो हमारा कौन सा हो गया, रिवर्स बायस लिख लो इस पे, आरबी लिख लो या रिवर्स बायस पूरा लिख लो, ठीक है। थोड़ा सर सा, मुझे एक डाउट है हाँ बोलो, मैं थोड़ा सा पॉइंट्स भी लिखवा देता हूँ, ठीक सर, है। हाँ अगर हमारे हाँ बोलो, अच्छा अगर हमारे डिप्लीशन लेयर में चार्ज कैरियर्स हैं तो हम फिर ये क्यों कह रहे हैं कि वो डिप्लीटेड लेयर है? मतलब डिप्लीटेड इस सेंस में ही तो था नहीं नहीं कि नहीं डिप्लीशन रीजन मोबाइल चार्ज में कैरियर्स नहीं है, बट यहाँ पर डिप्लीश तो मिलता है। नहीं, यहाँ पे कहाँ क्या है बताओ फिर से। डिप्लीशन रीजन में ये जो ई नॉट की वजह से मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, ई नॉट की वजह से तो नहीं है, ई नॉट तो चार्ज कैरियर्स को डिप्लीशन लेयर से दूर दूर भेज रहा है। बट सर मूव तो कर रहे हैं ना बीच में चार्ज। वो जब सेल ने ई नॉट को ओवरकम कर दिया तब हो रहा है, तब फ्लो कर रहा है। जब सेल के फील्ड ने ओवरकम कर दिया है तब वो फ्लो कर रहा है। ओके, और अगर नहीं करता तो? नहीं करता तो फ्लो नहीं हो पाता करंट, तो फ्लो नहीं कर पाता। अगर ई बाई अच्छा सेल ई नॉट से कम रहता तो करंट नहीं फ्लो पाता। इसका मैं भी करंट का ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि वोल्टेज बढ़ाने से कैसे करंट का वेरिएशन होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जरा लिख लो कि फॉरवर्ड बायस में क्या क्या हो जाता है। द पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेज एंड में इवेंचुअली क्या बोले गायब हो जाए, में इवेंचुअली रिड्यूस टू जीरो, रिड्यूस्ड कंप्लीटली, चलो टू जीरो, सेकेंड द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कैरियर्स दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड एंड होल्स फ्रॉम पी साइड बिगिन टू फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर डिप्लीशन डिक्रीज विड्थ। हाँ, तीसरा इफेक्ट क्या होगा इसका, थर्ड द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टूवर्ड्स डिप्लीशन लेयर रिड्यूसेस इस विड्थ। बैरियर पोटेंशियल डाउन हो गया एंड डिप्लीशन रीजन की ले जो थिकनेस है वो कम हो गई।
रिवर्स बायस में इसी का सब उल्टा उल्टा लिख दोगे। पहला पॉइंट, बैरियर पोटेंशियल की हाइट इंक्रीज हो जाती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन से और दूर चले जाते हैं, तो उससे विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑल फोर पॉइंट्स को जस्ट उल्टा करके लिख दिया। लेकिन रिवर्स बायस में एक तरह की करंट को प्रमोशन मिलेगा। कौन सी करंट? जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फॉर्म हो रही है। और उसको हम यहाँ पर रिवर्स करंट और लीकेज करंट भी कहते हैं। ठीक है, रिवर्स या लीकेज। तो फॉरवर्ड बायस पर आ जाए, सॉरी रिवर्स बायस पर आ जाए। यस सर। रिवर्स बायस में मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट जरा याद करो, फॉरवर्ड बायस में क्या था? बैरियर पोटेंशियल वी बी इंक्रीजेज। सेकेंड क्या था? मेजोरिटी चार्ज कैरियर किधर पुश होते हैं? टूवर्ड द डिप्लीशन लेयर पुश हो रहे थे। ठीक है, और करंट फॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर पुश्ड अवे फ्रॉम द डिप्लीशन रीजन। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। एंड फोर्थ क्या था? इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, नो करेंट फ्लोज। ठीक है, या वेरी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, नो करंट ठीक है। बट एक सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पर और ऐड कर रहा हूँ। बट क्या होगा? हाउएवर एट रूम टेम्परेचर देयर आर ऑलवेज सम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इनका जो मोशन होगा वो फैसिलिटेट होगा इस फील्ड की वजह से। ठीक है, रिवर्स बायस पुशेस देम टूवर्ड्स जंक्शन एंड फॉर्म अ वीक करंट कॉल्ड रिवर्स और लीकेज करंट। और ये जो लीकेज करंट होगी ये किस ऑर्डर की होगी? ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होगी। चलो आगे बढ़ जाए। हो गया था ना नोट? ओके, यस सर। अच्छा समझ में आ रहा है सबको? रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस आ गया समझ में?
वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। वीआई कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है कि हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें कि हम एक्स एक्सिस पर वी और वाई एक्सिस पर आई। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में भी जगह होना चाहिए, मुझे लेफ्ट में भी बनाना है। ठीक है, तो इधर आई। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, अगर वोल्टेज तुम फॉरवर्ड बायस में बढ़ा रहे हो तो हम उसको पॉजिटिव साइड में दिखाएंगे। ठीक है, इधर हम फॉरवर्ड बायस दिखाएंगे और इधर हम रिवर्स बायस दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट इंक्रीज होता है फॉरवर्ड बायस में, वो शुरू में बहुत फास्ट नहीं होता, शुरू में कुछ ऐसा स्लो पेस से होता है और फिर एक एक जगह के बाद फिर तेजी से बढ़ता है। ठीक है, ये किस वजह से ऐसा चेंज आ रहा होगा, ये सडन चेंज क्यों आया, सोच सकते हो? हमने फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज लगा रहे हैं तो जो ई था सेल, ई ड्यू टू सेल, वो हम धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं। तो जब तक वो ई नॉट से कम है तब तक वो करंट को नहीं फैसिलिटेट कर पा रहा है, तब तक ई नॉट डोमिनेट कर रहा है, और जैसे ही उसने ई नॉट को न्यूट्रलाइज किया फिर करंट तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को, जो ये जो वोल्टेज है इसके लिए टर्म है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। ठीक है, इसको मैं वी नॉट बोल दे रहा हूँ, और वी नॉट को थ्रेशोल्ड, कट ऑफ और नी वोल्टेज। ठीक है, ऐसा इसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद फिर सडनली राइज हो गई। अच्छा, जहाँ पर ये राइज हो गई, शार्प इंक्रीज हो गया, वहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इस रीजन में रेजिस्टेंस लार्ज होगा या स्मॉल होगा कंपेयर टू दिस अर्लियर रीजन? स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ठीक है, स्लोप जितना ज़्यादा उतना स्मॉल, क्योंकि आई वर्सेस वी 10th क्लास में देखा होगा, ये 1/r होता है रेजिस्टेंस, स्लोप जो होता है स्लोप इज 1/r। ठीक है, ये इसका स्लोप अगर 1/r है तो जितना ज़्यादा स्लोप उतना रेजिस्टेंस कम। ठीक है, जरा से वी बढ़ाने से आई में लार्ज इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस कम है। ठीक, अच्छा अब रिवर्स बायस में देखो, रिवर्स में ये जो करंट है, हमने थ्योरी पढ़ी अभी कि फॉरवर्ड बायस फॉर मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो फ्लो होंगे नहीं, तो होता है लीकेज करंट, और वो जो लीकेज करंट होता है, अगर मैं आई की जो मैंने ये ग्राफ बनाया इसमें अगर मैं लेफ्ट साइड के लिए अपना स्केल चेंज ना करूं, जिस स्केल जो मैंने करंट के लिए स्केल लिया है राइट साइड का पार्ट बनाने के लिए, अगर वही स्केल यूज करूं तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो पूरी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करेगा। ठीक है, इसका मतलब जीरो करंट। लेकिन अगर हम स्केल चेंज कर दें, अगर मैं राइट साइड के लिए तो सपोज मिली एम्पियर के टर्म्स में स्केल लूँ आई का, करंट का, और रिवर्स बायस के लिए मैं स्केल चेंज कर दूँ, माइक्रो एम्पियर को मैं शो करूँ, तो तब ये स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट दिखती है। ठीक है, ये स्मॉल वैल्यू लीकेज करंट। ठीक है, अगर हम स्केल सेम रखेंगे तब तो दिखेगी नहीं, ये जो जितनी छोटी सी दिख रही है ये भी नहीं दिखेगी, ये हमने माइक्रो एम्पियर में करंट जब स्केल हमने रिवर्स बायस के लिए रखा तब जा कर के थोड़ा सा दिखा। और फिर एक ऐसी वोल्टेज आती है जब मैंने बताया था सडन लार्ज इंक्रीज हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसको वी बी लिख दे रहा हूँ, वी बी इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसके बाद क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो गए उस सेमी कंडक्टर में और वो डैमेज हो गया, पीएन जंक्शन अब डैमेज हो जाएगा, इसके बाद फिर वो यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, केवल एक स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन होता है जिसको कि हम ब्रेकडाउन रीजन में ही वर्क करने के लिए डिजाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ज़ीनर डायोड। लास्ट ईयर तक सिलेबस में था, इस साल वो हट गया है। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज।
जीनर डायोड हमारे सिलेबस से हट गया तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और वो तभी काम करता है जब उसको हम VB से ज़्यादा वोल्टेज दें लेफ्ट साइड में, मतलब नेगेटिव में। रिवर्स बायस हमेशा उसको रिवर्स बायस में लगाते हैं, और VB से ज़्यादा, VB से कम दे दोगे तो वो काम ही नहीं करेगा अपना। ठीक है, तो हमारा ये पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हुआ, समझ में आया सबको? ब्रेकडाउन समझ में आ गया होगा, रिवर्स बायस समझ में आ गया होगा, फॉरवर्ड बायस समझ में आ गया। सर ये लास्ट पॉइंट क्या है बट के आगे बट जेड जेनर, से? ओके सर, जेनर डायोड जो होता है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ही काम कर, उससे ग्रेटर रिवर्स बायस पे ही काम करता है, जहाँ पे बाकी डायोड परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे, बट जेनर वहीं पे काम करता है और वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। ओके सर। टॉपिक तो वैसे इजी था, जेनर डायोड समझ में भी आसानी से आता था, बट वो अभी इस साल हटा दिया है, तुम लोगों को जेई क्लास में मैं कराऊंगा उसको।